नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे। आपको रिफ्रैक्शंस करवाना है, रेयर से डेंसर करवाना है फ्रॉम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके भी दो केस बनते हैं क्लास, एक रियल इमेज बनती है, किसमें क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट डालिएगा फॉर रियल इमेज भी। ये काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, रियल इमेज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे कौन से बनती है रियल इमेज, कुछ बोलोगे तुम लोग में से कुछ? वो मिरर भाई, वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, अलग है भाई, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स लेंस किस किस मिरर की तरह व्यव करता है, लेंस यानी कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, वो कौन सा मिरर दिखाता है, उल्टे होते हैं आपस में, उसका कॉनकेव तो उसका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो उसमें कॉनकेव रियल इमेज बनी थी ना वर्चुअली, तो इसमें कॉन्वेक्स में बन रही होती है, कर लोगे, बताऊंगा रीजन भी उसका, ऐसी बात नहीं है कुछ बना रहे हम लोग। देखो डायग्राम देखिए, अभी हमें रिफ्रैक्शंस करवानी है कॉन्वेक्स के थ्रू भी। डायग्राम कैसा बनेगा, ये कॉन्वेक्स होगा, सारा मीडियम होगा यहाँ पे, ये एक लाइन जाएगी, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये पोल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया भाई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा भाई, सी इसका पार्ट है, कर लोगे। देख बीम गया भाई, ज़्यादा दूर कर दिया मैंने वैसे, ये ऑब्जेक्ट अभी ओ यहाँ पे गया बीम्स, ये इसका म्यू वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है म्यू टू, कुछ याद आ रहा है। अब जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में तो रूल्स के हिसाब से क्या होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल्स भी, दो नॉर्मल्स है की तरफ मुड़ेगी भी, यही है ना। तो नॉर्मल ड्रा कर सकते हो यहाँ पे भी, तो नॉर्मल ड्रा करोगे तो आपको पता नॉर्मल ऑन द स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। नॉर्मल में से कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, ये बात पता है कि नहीं पता। अगर ये मीडियम ना होता तो बीम स्ट्रेट चलती है बिल्कुल, यस सर नो, लेकिन मीडियम है तो ये बीम किसकी तरह मुड़ेगी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल्स भी, यस सर नो, तो बीम्स मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल्स और यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। इमेज क्यों बनी, एक लाइन सीधी निकाल दी मैंने यहाँ से सेंटर से, दो बीम निकाल दी, ये भी निकाल दी, यस सर नो, दो से कम होनी चाहिए, नहीं समझ में आया। अब देखो भाई इसमें मेन चीज़ है, क्योंकि हमने एंगल वर्ड यूज़ किया तो एंगल बहुत से बनने वाले हैं यहाँ पे भी। ये इंसिडेंट बीम है क्लास, इस पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये इंसिडेंट बीम है, ये नॉर्मल है भाई, इस पॉइंट ले लेते हैं, तो एंगल कितना है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस सर ना, और ये रिफ्रैक्टेड बीम है, ये नॉर्मल है भाई, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, और यस और ना। अब एक एंगल ये बना रहा है ऑब्जेक्ट्स में, एक इमेज बना रही है, एक सीबी बना रहा है, यस और नो, इसको लेंगे अल्फा एंगल्स भी जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये सिंबल फिक्स है भाई, इसको लेंगे बीटा जो इमेज बनाएगा, इसको लेंगे गामा जो सी बनाएगा, जो सी से पास करें नॉर्मल्स भी, समझ में आया कि नहीं आया। एक नॉर्मल ड्रा कीजिए क्योंकि ट्रायंगल्स नहीं बन रही, हम बाद में बताते हैं कि छोटा फायदे लेते हैं, इसलिए ये स्टेट मान सकते हैं थोड़ा सा इसको भी, इसलिए हम पहले क्या करते हैं इसको स्टेट बना ही लेते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं एम बी, हम बाद में बोलते हैं कि एम नियरली इक्वल टू पी अगर साइज छोटा होगा तो, सही है कि नहीं है, दिस इज द डायग्राम भाई, जल्दी करो बना लिया। देखो भाई शुरुआत करते हैं टॉपिक की, बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट हैं, लिख लीजिए एट पॉइंट ए, ये बहुत ठीक नहीं किया तुम लोगों ने भी, एट पॉइंट ए भी अगर आप स्नेला अप्लाई करते हो एट पॉइंट ए के लिए करना आएगा, स्नेला अप्लाई कीजिए क्लास, क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर भाई, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, कहां से कहां तक जा रही है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में, फर्स्ट मीडियम ये है सेकंड ये है, कर लोगे, म्यू वन म्यू टू दे रखी है भाई, मैंने कहा एक तरीका और भी था लिखने का म्यू को भी, बोलवा लिखे होंगे म्यू टू बाई म्यू वन लिखते थे इसको,
म्यू टू बाई म्यू वन, याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी सही लिखा ना, म्यू टू बाई म्यू वन हो गया भाई। आगे लिखिए एंगल्स आर स्मॉल भी, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं जंक्शंस को, एंगल्स आर स्मॉल देन साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर भी, इक्वलेंट बोल रहा हूँ इस वर्ड को मैं, हम फंक्शन को छोड़ सकते हैं। ओके तो कितना आएगा भाई, लिख सकता हूँ आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आएगा यार, म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर वी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस पूरे टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना, आपको आई और आर निकालने हैं, ठीक है, बस आई आर निकल गया आपका आंसर, टॉपिक हो गया। सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है टॉपिक्स में, सारी से पूछ ली, आई यू वी एफ पूछ ले तो लगता है फार्मूला कोई मिरर है या लेंस फार्मूला बन रहा होगा, यस सर नो, अब म्यू आ गया भाई साथ में, वहाँ कोई म्यू नहीं आता भाई, ठीक है। तो ये टॉपिक उसका रिलेशन करना आपको यू का वी का आर का और म्यू का, जो आप लेंस मेकर फार्मूला बता रहे थे ये सर, इसी से बनना है, इसी से बनेगा टॉपिक, वो पांच नंबर का टॉपिक है, इसी से बनना है, ये बेस है उसका, ये तीन का खुद का आएगा और पांच का बेस बनेगा भी। कर लोगे yes, इतना हो गया अभी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। आपका मेन काम क्या है, आपको आई और आर निकाल लें अभी। अब इसका बेस्ट तरीका ये है, जब आप आई निकालना चाहते हो, आई एंगल आई देख लीजिए, एंगल आई ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, यस आर नो, जब भी आपको आई निकालना हो आप ट्रायंगल लीजिए, ऑब्जेक्ट हो जिसमें सी हो भी, ऑब्जेक्ट हो और इसमें क्या हो सी हो, जब आपको आर निकालना हो आप ट्रायंगल लीजिए इसमें इमेज हो और सी हो, सी कॉमन कर दी दोनों में, यस आर नो, ऐसी ट्रायंगल चूज कीजिए आई के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट हो और सी हो, और इमेज निकालेंगे आर निकालने के लिए जिसमें इमेज हो और सी हो, यही तो चीज़ है, पॉइंट तीन ही है मेरे पास, तो आई ऑब्जेक्ट है सी है, उस वक्त में बना रखे पॉइंट ही सारे, यस आर ना, पॉइंट ही तीन है भाई, तो एक को कॉमन रखिए, सी को कॉमन रखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एक को ऑब्जेक्ट की वाली एक के इमेज वाली, आई और आर निकल जाएंगे आपके, यस आर ना। अब देखो भाई मेरे को आई निकालना है तो कौन सी ट्रायंगल यूज करूँ बताओ जल्दी से मेरे को, ओ ए सी दिख रही है, इन द ट्रायंगल ओ ए सी दिखाई दे रही है भाई, yes, sir. इस ट्रायंगल्स के अंदर चेक करो आउटर एंगल कौन से हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी दिस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन से हैं, आउटर एंगल याद रखिए कौन सा होता है, कौन सा होता है, एक ट्रायंगल है मेरे पास भी, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ऐसा मत करो, एक एंगल ये है, तो ये ट्रायंगल एंगल बना रहा हूँ ए बी सी, कौन सा आउटर एंगल है मेरे, तो कौन सा पूछ रहा हूँ सर, तो है नहीं पक्की बात है, आउटर एंगल में बच्चों को कन्फ्यूज होती है भाई, आउटर एंगल कौन से होते हैं, क्या इसमें एंगल ए आउटर एंगल है, बिल्कुल नहीं है अभी, ये इसका ये पार्ट अभी, ठीक है, क्या इसमें सी है, बी और सी दोनों आउटर एंगल्स हैं अभी, आउटर एंगल कब बनते हैं, जब एक साइड को आगे बढ़ाते हैं आप लोग तो बनता है आउटर एंगल, हमेशा ट्रायंगल्स के एक साइड को बढ़ा दो, देखो ये आगे बढ़ा दी मैंने, ये एंगल आउटर एंगल, समझ में आया, दिस इज द आउटर एंगल्स, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया ये आउटर एंगल, समझ में आया, लेकिन ये आउटर एंगल नहीं है अभी, तो इस ट्रायंगल्स के अंदर कौन से आउटर एंगल्स हैं, देखो कौन सी लाइन आगे बढ़ी हुई है, ये पूरी लाइन ये है अभी,
और ये इसको ये आउटर एंगल है। और आउटर एंगल की खासियत क्या है? वो इनर एंगल्स के सम के बराबर होता है भाई। अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, यस और नो? आई तो आ गया भाई, कर लोगे? आर के लिए कौन सी ट्रायंगल्स यूज करूंगे? इन द ट्रायंगल्स ए आई सी, इन द ट्रायंगल ए आई सी, यस और नो? आर के लिए इमेज वाली ट्रायंगल्स में कर लोगे ए आई सी, और सी कंपल्सरी होना चाहिए उसके अंदर। तो इस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन सा है? गामा इज द आउटर एंगल। गामा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आर प्लस बीटा भी, मेरे तो आर चाहिए भी, तो गामा माइनस बीटा, या सर नो? गामा माइनस बीटा, एनी प्रॉब्लम भाई? दोनों को इस पर रख दे, फर्स्ट पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, समझ में नहीं आ रहा भाई? पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या थी? म्यू वन आई, आई कितना भाई? अल्फा प्लस गामा। म्यू टू आर, आर कितना है? गामा माइनस बीटा, सही है कि नहीं है? देखो आपको पूरा टॉपिक का मोटो क्या है, आई और आर निकालना। अभी भी निकले हैं, मेरे को पता नहीं अल्फा कितना बीटा कितना, ये भी निकालने पड़ेंगे मेरे को अभी, सही है कि नहीं है? पूरी इस टॉपिक का एक ही मकसद है, एंगल निकालना। एंगल निकालने आते हो बहुत इजीली टॉपिक हो जाएगा आपसे, हो गया अभी इतना? तो अब आपका मेन काम है अल्फा बीटा गामा निकालना भाई। तो बताइए अल्फा निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल्स यूज करूँगी? कौन सी भाई? अल्फा इसमें आ रहा है तो ये ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ, यस और नो? तो मैं लिख रहा हूँ इन द ट्रायंगल्स ए एम ओ, दिख रही है? इन द ट्रायंगल ए एम ओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा भाई? टेंजेंट एंगल हमेशा टेंजेंट से निकलते हैं भाई, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए एम बाई एम ओ, सही है? नहीं, बीटा निकालने के लिए टेंजेंट बीटा कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं अभी बताओ जल्दी से मेरे को, टेंजेंट बीटा के लिए ए एम आई इसमें है, तो क्या लिखोगे? ए एम बाई एम आई। टेंजेंट गामा के लिए जरूरत नहीं लिखने की ट्रायंगल्स को, दिख रही है ट्रायंगल्स यहाँ से कौन कौन सी है? टेंजेंट गामा के लिए भाई ए एम सी, यस और नो? ए एम सी में क्या लिखें? ए एम बाई एम सी भी, तीनों निकले। पुटिंग इन द अबो इक्वेशंस, इसमें रख दीजिए, पुटिंग इन द अबो इक्वेशंस भी, एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हैं तो सारे फंक्शंस को हम छोड़ सकते हैं, साइन कोस टेंजेंट को, यस और नो? एक्चुअल में ये क्या है? ये अल्फा भाई, ये क्या है? बीटा, ये क्या है? गामा भी। एंगल स्मॉल होने का फायदा क्या है? साइन कोस टेंजेंट को छोड़ सकते हैं, यस और नो? अब पुट कीजिए, पुटिंग द इक्वेशंस भी, क्या लिखोगे? म्यू वन इज इक्वल टू अल्फा ए एम बाई एम ओ प्लस ए एम बाई एम आई एम सी सॉरी इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू ए एम बाई एम सी माइनस ए एम बाई एम ओ एम आई, सही लिखा भाई? चेक करना एक बार, सही है? दोनों में से यहाँ से भी और यहाँ से भी ए एम कॉमन आ रहा है, अभी काट दें भाई, क्या बनने वाला देखिएगा? म्यू वन इंटू वन बाई एम ओ प्लस वन बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई एम सी माइनस वन बाई एम आई, सही लिखा भाई? ओके अब प्रॉब्लम ये है भाई, क्योंकि बाई कन्वेंशन हम सब कुछ तो पी से मापते हैं भाई, एम से तो मापते नहीं, सारा यहाँ से एम से मापा गया है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कर लोगे? इतना हो गया, लिखिए अपर्चर इज स्मॉल भी, जो अजम्पशन लिया वो सर यूज करनी है हमको, अपर्चर इज स्मॉल सो एम लाई नियर टू पी, एम लाई नियर टू पी, एम पी के नज़दीक क्यों होगा? क्लस छोटा होगा साइज,
तो लाइट स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, ऑरेंज देखा गया। yes, और छोटा करोगे तो ऑरेंज देखा जाएगा। यस सर नो, जितना छोटा करोगे उतना एम क्या होगा, पी के नज़दीक आ जाएगा। अगर पी के नज़दीक हो गया तो मैं बोल सकता हूँ एम ओ इज नियरली इक्वल टू पी ओ। एम ओ इज नियरली इक्वल टू किसके, पी ओ। सेम भाई, एम आई इज इक्वलेंट टू पी आई एंड एम सी इज इक्वलेंट टू पी सी बी। सही है कि नहीं है? ओके, पुटिंग द वैल्यूज भी। अब देखिए अभी मे वन कितना बना, 1 बाई पी ओ प्लस 1 बाई पी सी इज इक्वल टू म्यू टू 1 बाई पी सी प्लस माइनस 1 बाई पी आई। एनी प्रॉब्लम भाई? यस और नो? ओके, अब डायग्राम से भी, डायग्राम आपके पास अभी, व्हाट इज पी ओ भी, डायग्राम आपके पास है उसमें चेक कीजिए पी ओ क्या है भी। पी ओ है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी, इसको यू से लेते हैं, प्लस की माइनस भी माइनस, पी आई डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी, प्लस की माइनस उस तरफ है भाई। व्हाट इज पी सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर, प्लस की माइनस भी प्लस, बस पुटिंग द वैल्यूज भी। मी वन व्हाट इज पी ओ, वन बाई माइनस यू सही है, प्लस वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू पी सी वन बाई आर माइनस वन बाई वी। सही लिखा है, गुणा कर ले म्यू वन म्यू टू के अंदर, तो यहाँ पे क्या होना, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी। क्या मैंने सही लिखा? Yes, अब ऐसा करते हैं, एक तरफ यू वी ले लेते हैं, एक तरफ आर वाले ले जाते हैं ऐसा। ओके okay भाई, एक तरफ यू और वी इकट्ठा करो, रब कर दें भाई। yes, हो गया इतना। तो यहाँ पे भले यार इस तरफ यू है भाई, तो माइनस म्यू वन बाई यू वी को ले आता हूँ इस तरफ, प्लस का हो जाएगा अभी म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू आर, वहाँ से आएगा म्यू वन माइनस माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये हो गया माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू टू माइनस म्यू वन। एनी प्रॉब्लम क्लास? दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू वन म्यू टू वी यू वी एंड आर वी। ओके यस भाई क्लास, सेकंड पॉइंट करते हैं फॉर वर्चुअल इमेज भी। अगर आपको याद हो वर्चुअल इमेज हमने कॉनकेव मिरर में बनाई थी, याद है कि नहीं है? और दोनों बना था, रियल भी वर्चुअल भी, बातें नहीं करनी वाइज। तो मेरे को बता दो वर्चुअल इमेज कब बनी थी भी, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनी थी, पी और एफ के बीच में रखा था। यस और नो? मतलब हम बोल सकते हैं जितना नज़दीक जाएंगे मिरर की उतना ही पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल इमेज बन जाए। दूर रहते ही क्या बन रही थी, रियल बन रही थी। सही है कि नहीं है? यानी मैं अगर ऑब्जेक्ट को उसके नज़दीक रख दूँ तो पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल इमेज बन जाए इसकी। यस और नो? तो वही करेंगे। देखिए ये आपका सरफेस अभी, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। ओके, जितना नजदीक रखोगे ऑब्जेक्ट को पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वर्चुअल बने भी। तो नजदीक रहते हैं, यहां पर रखता हूं ऑब्जेक्ट में भी, दिस इज ऑब्जेक्ट भी, पहले दूर रखा था मैंने। यस और नो? कोच रूल चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम पॉइंट है। अगर एक बीम जाएगी रियर टू डेंसर मीडियम भी, तो पक्की बात है इट वेंट टू अर्थ नॉर्मल्स भी, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल इज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? तो क्या होगा, इट वेंट टू अर्थ द, ये कैसा पाथ था भी, अगर ये मीडियम चेंज ना करती तो अब चेंज करेगी तो पाथ ऐसा भी, इट टू अर्थ द नॉर्मल। अब इतना भी मत उड़ना कि हमें मिल जाएगा, कभी जितना दूर करोगे उतना कम उड़ेगी ऊपर जाके भी, जितना दूर नज़दीक ले जाओगे ना उतना ही एंगल आई कम हो जाएगा भाई। यस और नो? जितना दूर जाते थे हम लोग एंगल आई बढ़ रहा था, रिफ्लेक्शंस नहीं किया था टोटल रिफ्लेक्शंस में, जितना नज़दीक लेके आई कम होगा तो आर भी कम होगा भाई। यस और नो?
तो ये ऐसे मुड़ी हुई, लेकिन ये आगे कहीं नहीं मिल सकती हुई क्योंकि इतने नहीं, इतनी नहीं मुड़ी हुई कि आगे जाके मिल जाइए। तो इसको क्या करेंगे, पीछे करें, इट अपियर टू पास थ्रो, सॉरी यहाँ में मिलती नजर आएगी। अरे हाँ कि नहीं है, यहाँ पे बनेगी इमेज आई। सही है, समझ में आ रहा है। अगर आपने टोटल इंटर रिफ्लेक्शन किया, एक तो सीधी निकल गई थी, फिर हर बार आई बढ़ रहा था भाई, क्योंकि दूर जा रहे थे हम लोग से, नज़दीक जाएंगे तो आई घटेगा ना, तो आर भी घटेगा। अगर दो जाते तो आर बढ़ रहा था, कि पर 90 होता है आर एक टाइम के बाद, तो उल्टा जाएंगे तो आर घटना भी है भाई। तो आर घट गया भाई, कम मुड़ेगा। यस और नो? अब ये पॉइंट ए है भाई, ठीक है। अब एंगल चेक कीजिए जल्दी से, ये भी बनाना शुरू मत करो, अब कर दिया होगा ना तो, बना भी लिया होगा ना तो। ये इंसिडेंट भी है क्लास, और ये नॉर्मल है भाई। तो ये एंगल कितना है पूरा भी, एंगल ऑफ इंसिडेंट? यस और नो? एंगल में दिक्कत आएगी आपको, बहुत सी लाइन कटे जा रही हैं। ये नॉर्मल है क्लास, दिस इज व्हाट इज दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस भी, इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं इसके काम की, ठीक है। ये एंगल कौन सा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस भी, इट इज आर भी, सही है। ये एंगल कौन सा भाई, अल्फा, ये कौन सा बीटा, ये कौन सा गामा, तो एंगल ड्रा करें, ये कौन एम, सही बता दो डायग्राम। अब लिखिए यहाँ पे, हम टॉपिक शुरुआत ऐसे करते हैं, ए एम, ये पहले में आपको करना चाहिए था, ए एम इज परपेंडिकुलर टू आई सी, ए एम इज परपेंडिकुलर टू आई सी, ये इमेजिनेशन है भाई। पहली बार स्टार्टिंग ऐसे करना पड़ा टॉपिक मेरे को, ओके, मैंने पहले लिखवाया नहीं, आपको लिख देना उसमें भी, ए एम इज परपेंडिकुलर टू आई सी, पहला टॉपिक स्टार्टिंग ऐसे होता अभी, ठीक है, बातें नहीं अभी। अब वही अप्लाई करते हैं स्नेल्ला भी, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए साइन आई बाई साइन आर, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है भाई, मीडियम फर्स्ट या मीडियम सेकंड में, ये म्यू वन था, ये कितना था म्यू टू, लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इसको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखो, यस आर नो? अब इसमें देखिए अभी क्लास, एंगल्स आर स्मॉल, ये ऑब्वियस बात होगी अभी, एंगल्स आ रहे, लिख दो एंगल्स आर स्मॉल भी, तुम तो लिखो, मैं लिखूंगा एंगल्स आर स्मॉल, तो लिख सकते हैं आई बराबर है आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ पे ले देते हैं, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब कोई काम है आपको आई और आर निकालने हैं, रब कर दें, हम कौन सी ट्रायंगल्स यूज करें अभी, इन द ट्रायंगल ए आई ए ओ सी, आई निकालने के लिए भी ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल्स यूज करें, यस आर नो? और आर निकालने के लिए इमेज वाली ट्रायंगल्स यूज करें, और इसमें सी कॉमन होगी, कर पाओगे? तो बातें नहीं करनी क्लास, इन ट्रायंगल ए ओ सी दिख रही है, ए ओ सी, इस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन सा अभी, ये लाइन आगे बढ़ रही है, आई इज द आउटर एंगल्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यस सर नो? तो आर निकालने के ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ, इन द ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, अब चेक करो जल्दी से, आर निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, ए आई सी, सी कहाँ गया, सी ये रहा, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल आउटर एंगल है भाई, आर, आर ही है, ये लाइन, ये लाइन को बढ़ाया गया आगे, देखो यही तो लाइन है, ये इसी से तो आई है, तो ये एंगल कौन सा है, आउटर एंगल्स है भी, आर इज द आउटर एंगल्स भी, कैसे लिखोगे, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ऐसा मतलब पहला रट्टा मार दिया, वैसे सही आंसर आएंगे, सब कुछ नहीं होने वाला, अभी हर डायग्राम में चेंज होगा सब कुछ, कर लोगे,
बीटा प्लस गामा, पुटिंग द वैल्यूज भी कितना लिखेगा, फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन म्यू वन आई कितना है, एल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा प्लस गामा, सही लिखा है ये सर नो हो गया। अब आपको वही निकालना है अल्फा बीटा गामा भाई, अल्फा किस ट्रायंगल से निकाले क्लास होता है मेरे को भाई, अल्फा किस ट्रायंगल से निकालो, ए एम ओ, ए एम ओ व्हाट इज टेंजेंट अल्फा भाई, ए एम बाई एम ओ, ए एम बाई एम ओ, अगर एंगल स्मॉल हो तो उसका अल्फा लिख सकता हूँ, लिख दो अल्फा यहीं पे, यस सर नो, उसके बाद टेंजेंट बीटा कैसे निकलेगा भाई, किस ट्रायंगल से निकाले सर, जो आपने एआईसी ट्रायंगल लिया इसमें तो वो एक को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, किसको इन ट्रायंगल एआईसी हाँ किसको बढ़ा, इक्वल टू बीटा प्लस गामा कैसे लिखा आपने, ये लाइन है भाई इसी से बन रहा है, ये बढ़ा रहे हैं इसी से इमेज बनी है, दिस इज द आर आउटर एंगल्स, हो गया बीटा कितना आएगा भाई, ए एम बाई एम आई इट इज बीटा, बताना आएगा भाई टेंजेंट गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी, तुम्हें देखा मैं डायग्राम नहीं देख रहा, मेरे याद हो रहे हैं टॉपिक्स रट्टे मार रखे हैं याद कौन करें ना भाई, समझ में आई कि नहीं आई, रट्टे कब लगे हैं, 9 साल हो गए भाई तब लगे रट्टे, व्हाट इज अल्फा वी क्लस, ए एम बाई एम ओ प्लस गामा ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू टू ए एम बाई एम ओ आई एम आई प्लस ए एम बाई एम सी, यहाँ पे उन्होंने गलत लिख दिया, मेरा लोगो आता है यहाँ पे कोने में, विज्ञान क्लास का लोगो आता है ना, चलो ओके भाई हो गया, दोनों तरफ से ए एम को मैं निकल सकता है, तो म्यू वन वन बाई एम ओ प्लस वन बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई एम आई प्लस वन बाई एम सी भी, सही है यस सर नो, फिर हम क्या बोलते थे कि साइज छोटे हैं भाई, तो लिख लीजिए अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर सेम लैंग्वेज है पूरे टॉपिक की, 500 टॉपिक की, दो तो दूसरा चल रहा है अभी, तो अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल होगा तो क्या लिख सकते हैं, एम ओ इज इक्वल टू पी ओ, एम सी इक्वल टू पी सी, एम आई इक्वल टू पी आई, ऐसा क्यों लिखा मैंने, अगर अपर्चर स्मॉल है तो बोल सकता हूँ कि एम लाई नियर टू पी भाई, एम पी के नज़दीक लाई करता है, यस आर नो, पुटिंग द वैल्यूज वे म्यू वन वन बाई पी ओ प्लस वन बाई पी सी इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई पी आई प्लस वन बाई पी सी, एनी प्रॉब्लम भाई, गुणा कर लें, गुणा कर लेते उसके बाद देखेंगे इसको, म्यू वन बाई पी ओ प्लस म्यू टू बाई पी सी, म्यू वन सॉरी म्यू वन बाई पी सी म्यू टू बाई पी आई प्लस म्यू टू बाई पी सी भी, सही लिखा है यस सर ना, अब बाई कन्वेंशंस यूज करना अभी, क्योंकि मैंने डायग्राम पिछले मिटे दिया था, तो मेरी ऑडियंस बहुत और भी बहुत हैं भाई, उनको डायग्राम दिखाई नहीं देगा होगा, आउट ऑफ इंडिया 20% है ना भाई, तो उसके लिए पी ओ की वैल्यू कितनी है अभी क्लास, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी पी ओ ये रही भी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू वी, व्हाट इज पी सी, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस कार भी, सही लिखा है, व्हाट इज पी आई, इट इज माइनस वी, इस तरफ अभी यस आर नो, दब कर दें डायग्राम,
पीओ कितना है माइनस यू प्लस म्यू टू बाई पी सी प्लस कार इज इक्वल टू म्यू टू बाई पी आई, पी आई कितना भाई माइनस का वी प्लस प्लस है ना म्यू टू बाई पी सी, पी सी कितना है प्लस का आर वी, ये म्यू वन है वी वन सही है। अब वही करें यू वी को इकट्ठा कर लेते हैं अभी, तो ये माइनस का प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है वन बाई आर कॉमन निकाल दिया म्यू टू माइनस म्यू वन में, क्या आंसर सेम आया फर्क नहीं पड़ता रियल है कि वर्चुअल है, सही है कि नहीं है अभी।